टीवी इंडिया 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। टीवी इंडिया 18 ने 26 मई को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। कस्बा खानपुर में पुलिस ने की थी मारपीट और छीना झपटी, और यह पुलिस पर लगे चोरी और लूटपाट के आरोप। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के आदेश, दो सिपाहियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज। दुकान पर बैठे युवक से सिपाहियों ने छीने 2200 रुपए। विरोध करने पर युवक के साथ जमकर मारपीट की। घायल युवक को किया था अस्पताल में भर्ती। सिपाही सुनील और हरिश्चंद पर लूट का केस दर्ज। लगातार चोरी लूट के आरोपों में घिर रही है औरैया पुलिस। सदर कोतवाली के खानपुर में पुलिस ने की थी लूट की वारदात को अंजाम। सदर कोतवाली के खानपुर इलाके का मामला। मोहित नाम है, गौना निवासी, गौना निवासी। इधर आए थे, रिश्तेदारी है हमारे, बहन हुई है इधर, तो उनकी लड़की ख़त्म हो गई थी, उनकी 40वां था, उनकी 40वें में आए थे परसों में। तो इधर से 8-9 बजे के लगभग हम दुकान में गए तो ठंडा अंडा पी रहे थे। पीने के बाद में उधर तो बस पुलिस वाले आए, तो उन्होंने सीधा गाड़ी खड़ी करी है। खड़ी करने के बाद में सीधा गाली दे के सीधा मारना चालू। उसके बाद सिर में ज़्यादा चोट आई। मारने कूटने के बाद में फिर भी उसने ये नहीं देखा, उठाई गाड़ी तुरंत चली गई। चौकी दी गई, अभी कोई कार्रवाई सुनाई नहीं। जे हमारे साले साहब हैं, हम इनके बहनों हैं। जे हमारे यहाँ आए दमी में, मुझे ठंडा पियन गए सड़क पे, तो पुलिस वालों ने मारा है ना, क्योंकि इंचार्ज को दिया था। अब कोई सुनवाई नहीं है। पहले हम लोग बैठे ठंडा ठंडा पिया, पुलिस वाले आए, गाड़ी रोकी, टार टार जलाई, कह रहे मारो भोसड़ी वाले को, मारा जो सुनी लते अन्य खाना बता उनका, उन्होंने मारा। कह रहे सी आदमी आएंगे तो भी जबरदस्ती मारा, मार पीट। कानपुर मोहल्ला कस्बा कटरा। आपका नाम है? कदौरा निवासी। हमारी बिटिया दमान है यहाँ, हमारी नाते नहीं, उसकी फाता हती कल, उसमें आए थे हम लोग, तो गया था बस, वो बैठा था और बस आया पुलिस वाला, उसको मार दिया। इनका मुईद नाम है, ये कदौरक निवासी गौने के, और ये यहाँ आए थे रिश्तेदारी में गमी में, 40वां था तो फातिया में आए थे यहाँ पर। ये लोग ठंडा पीने गए दुकान पे, वहाँ ठंडा पी रहे थे, पुलिस वाले आए और इनको मारा, मार के चले गए एकदम। सर मुसलमान हैं तो वो इसी तरीके से समझते हैं कि आतंकवादी हैं हम लोग, आते हैं मार के चले जाते हैं। जी